हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। हम आए हुए हरिद्वार। हरिद्वार का गंगा स्नान हर की पौड़ी पे सब जानते हैं, लेकिन हरिद्वार की कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की जगहें हैं जो पूरे हरिद्वार या फिर पूरी यूपी में सबसे ज्यादा फेमस है? यार, हरिद्वार घूमने बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे आके करते हैं गंगा स्नान, और उसी गंगा स्नान के दौरान अगर आपको मिल जाए सबसे बेस्ट खाना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता भाई। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार की टॉप प्लेसेस टू ईट, और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो जगह की लोकेशन क्या क्या है, वहाँ पे प्राइसेस क्या है, वहाँ पे खाने के लिए क्या क्या मिलता है बेस्ट, और वहाँ पर आपको खाने में कितना समय लगेगा। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं चोटी वाला, ये भी हरिद्वार की एक बहुत बेस्ट जगह है। तो हमारे ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर एक, चोटी वाला रेस्टोरेंट। इस जगह का नाम है चोटी वाला रेस्टोरेंट। ऋषिकेश और हरिद्वार में जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट और सबसे पुराना रेस्टोरेंट है वो है चोटी वाला रेस्टोरेंट। कहा जाता है कि हरिद्वार में कितने भी रेस्टोरेंट खुल जाएं, लेकिन खाना आज भी चोटी वाले का ही सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, जो कि हो सकता है ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ की थाली, जो कि 250 रुपए में आपको चार सब्जी, चावल और रोटी दे देती है, मतलब फुल मील सिर्फ 250 रुपए में। ऐसे हर पूरे हरिद्वार में बहुत सारे चोटी वाले खुले रहे हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हम लिस्ट डालेंगे उस लिस्ट में चोटी वाले की लोकेशन में मेक श्योर करूंगा कि असली चोटी वाले की ही आपकी लोकेशन आए, जो कि है ये वाला, कि पौड़ी के बिल्कुल पास वाला चोटी वाला है वो ही असली चोटी वाला है, वहीं पर आइएगा। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो आपने चोटी वाले के खाने का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो यह जान लीजिए कि चोटी वाले का खाना पूरे हरिद्वार और ऋषिकेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चोटी वाला रेस्टोरेंट खाना सर्व करता है इंडियन कजीन का, जिसमें आपका पर पर्सन का कॉस्ट आएगा तकरीबन 200 से 250 रुपए, और यहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय आ सकते हैं। ये भी चोटी वाले का रेस्टोरेंट का मेन्यू है, और यहाँ पर आपको पराठा, कर्ड का भी कॉम्बो मिलेगा, काफी सारे टाइप के पराठे हैं, पाव भाजी, छोले भटूरे रायते में है, लंच डिनर में यहाँ पे पूरे मतलब मेन कोर्स है, दाल, पनीर की सब्जी और ये सब मिलेगा आपको। मेन कोर्स में भी काफी अच्छे आइटम्स हैं यहाँ पे। चोटी वाले रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह से लेके शाम तक की, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरे हरिद्वार में कई सारे चोटी वाले रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, इसलिए मेक श्योर करें कि आप सही चोटी वाले पे ही जाएं। नंबर दो, मोहन जी पूरी वाले। गाइस, ये हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है मोहन जी पूरी वाले। हरिद्वार की सबसे फेमस पूरी में से एक है मोहन जी पूरी वाले। हर की पौड़ी पे, पुलिस चौकी पे एकदम ऑन फ्रंट आपको दुकान मिलेगी। यहाँ की जो सबसे फेमस डिशेज हैं वो है यहाँ की पूरी सब्जी और यहाँ की कचौड़ी सब्जी। पूरी सब्जी का दाम है यहाँ पे 90 रुपए में चार पूरी, और कचौड़ी सब्जी का दाम है यहाँ पे 50 रुपए में दो कचौड़ी। बस गंगा नदी के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद इस कचौड़ी का खाना तो हरिद्वार में धर्म जैसा माना गया है। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और हर की पौड़ी में ना रहे हैं, मोहन जी पूरी वाले की पूरी सब्जी जरूर खानी है। मोहन जी पूरी वाले की दुकान खुली होती है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। हरिद्वार के गंगा स्नान के बाद अगर कुछ खाने का धर्म है तो वो है मोहन जी पूरी वाले की सब्जी पूरी। हरिद्वार की हर की पौड़ी पे पुलिस चौकी के पास पड़ता है मोहन जी पूरी वाले, जहाँ की सब्जी पूरी और कचौड़ी सब्जी पूरे हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध है। मोहन जी पूरी वाले के आप आ सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, हालांकि यहाँ डिनर के लिए भी आ सकते हैं, और यहाँ पर पर्सन कॉस्ट आपकी पड़ेगी 50 रुपए से 100 रुपए तक की। मोहन जी पूरी वाले की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और इस जगह पे आपको हर समय भीड़ लगी मिलेगी, जो कि ये बताता है कि यहाँ का स्वाद कितना अच्छा होगा। आगे जीजू, अरे कचौड़ी और छोले के साथ है सब्जी, छोले के साथ आलू की सब्जी, छोले मिक्स है, खा के देखो, और मीठी चटनी है ऊपर से। अच्छा, मीठी चटनी भी डाली है, मन देख रहा नजर नहीं ट्रिबन में। कैसा जीजू, दिल्ली की कचौड़ी के मुकाबला है ना? नंबर तीन, पंडित जी पूरी वाले। गाइस, ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है पंडित जी पूरी वाले। हरिद्वार में पंडित जी पूरी वाले का नाम बहुत पुराना चलता आ रहा है। यहाँ की फेमस डिश है यहाँ की भेड़ी पूरी और सब्जी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पूरी खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है, इतनी लाइट है कि आप खाते जाओगे और आपका पेट नहीं भरेगा। और इस जगह की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से रात को 10 बजे तक। हरिद्वार में एक और दुकान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ की पूरी, बेडमी और सब्जी लोगों को बहुत पसंद है, और उस जगह का नाम है पंडित जी पूरी वाले। यहाँ की सबसे फेवरेट डिश है यहाँ की बेडमी पूरी और सब्जी, जिसमें बेडमी पूरी का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे खाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पूरी कहाँ गई, क्योंकि यहाँ की बेडमी पूरी और सब्जी बहुत ही लाइट ऑयल में फ्राई की जाती है, और यही इस जगह की सबसे खास बात है। पंडित जी पूरी वाले में आपका पर पर्सन का खर्चा हो सकता है 50 से 100 रुपए का, और यहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीजें करने आ सकते हैं। पंडित जी पूरी वाले की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। अरे वाजी जू, क्या बात है, आ गई। ओहो, तो ये है इसकी। हाँ जी, कैसा लगा पूरी? ओके ओके। अच्छा पंडित जी पूरी वाले की? ओके ओके। अरे वो उसकी अच्छी थी। अच्छा, आलू छोले सब मिला के सब्जी बना रखी थी। अच्छा, तीन आलू की सब्जी, ये वाली सीताफल और ये वाली आलू की सब्जी है। नंबर चार, होशियारपुरी। तो गाइस, ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है होशियारपुरी रेस्टोरेंट। हरिद्वार का एकमात्र पंजाबी फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ, हरिद्वार में भी पंजाबी फूड अवेलेबल है, और सिर्फ अवेलेबल नहीं, फेमस भी है।
होशियारपुर रेस्टोरेंट का पंजाबी फूड नॉर्थ इंडियन कजीन पूरे हरिद्वार में बहुत फेमस है। हालांकि यहाँ पर आपको हमेशा भीड़ मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमेशा वेटिंग रहती है और छोटी सी जगह है इसलिए यहाँ की टेबल बहुत जल्दी फुल हो जाती है, लेकिन क्योंकि इतना फेमस और अच्छा फूड है इसलिए यहाँ पे वेटिंग रहती है। तो अगर आप यहाँ पे लंच के लिए आए या फिर डिनर के लिए आए, आपकी अच्छे खाना खाने की भूख बिल्कुल ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करेगा। होशियारपुर रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो लंच और डिनर करने आए। अगर आप एक इंडियन और पंजाबी कजीन खाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हरिद्वार के होशियारपुरी रेस्टोरेंट में। इस जगह आप लंच और डिनर कर सकते हैं और यहाँ पे आपका पर पर्सन खर्चा हो सकता है 200 से 250 रुपए का। होशियारपुरी की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक और रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। होशियारपुरी रेस्टोरेंट एक फैमिली डाइन आउट के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। बस यहाँ आपको हो सकता है कि वेटिंग करनी पड़े क्योंकि यहाँ लंच और डिनर दोनों समय बहुत भीड़ रहती है। भाई ये है होशियारपुरी का मेन्यू। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको आलू पराठा, पनीर पराठा, बटर कट सब मिलेगा। राइस की काफी वैरायटी है यहाँ पे और तंदूर से रोटी भी बहुत सारी है। आप चाहे लच्छा पराठा ले लो, चाहे प्लेन रोटी, चाहे बटर रोटी, चाहे स्टफ नान। मेन कोर्स में वेजिटेबल्स हैं, ऐसे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है इसलिए। ये है हमारी दाल मखनी, ये है पनीर बटर मसाला। लग तो बढ़िया राइस है ना। चलो शुरू करो। नंबर 5 गंगा लहरी रेस्टोरेंट। इस जगह का नाम है गंगा लहरी रेस्टोरेंट। अब ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है हरिद्वार की हर की पौड़ी से सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 मीटर दूर ये रेस्टोरेंट है। गंगा लहरी एक्चुअली में एक होटल है और इसका अपना रूफटॉप एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पार्टियो। और यहाँ के जबरदस्त खाने के साथ साथ आपको जो मिलता है वो है ये जबरदस्त व्यू। हरिद्वार की हर की पौड़ी से सिर्फ 5 से 6 मिनट की वॉकिंग पे है गंगा लहरी रेस्टोरेंट, जो कि एक होटल के साथ एक रेस्टोरेंट भी है। यह एक सिंपल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जिसमें आपको इंडियन और पंजाबी कजीन मिलेगा। गंगा लहरी रेस्टोरेंट की सबसे खास बात है यहाँ का व्यू। जी हाँ, खाना खाते हुए आप देख सकते हैं गंगा नदी का बहता हुआ व्यू। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक बार आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा। गंगा लहरी रेस्टोरेंट आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के लिए आ सकते हैं, जिसमें आपकी पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 500 से 600 रुपए। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। भाई गंगा लहरी रेस्टोरेंट में आए थे, इसका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है पीछे देखो, गंगा जी का पूरा व्यू पूरा यहाँ से होती हुई आ रही है। ये है यहाँ पे इस तरफ है हमारा हर की पौड़ी और यहाँ से गंगा जी होती हुई जा रही है आगे तक जा रही है। और ये सुपर व्यू के ही सारे पैसे हैं गंगा लहरी के। यहाँ का रूम भी एक्सपेंसिव इसी वजह से है और यहाँ का रेस्टोरेंट भी एक्सपेंसिव। जब तक हम आए तब तक खाना यहाँ पे मतलब डिनर टाइम खत्म हो गया था, तो हमने सिर्फ डेजर्ट्स खाए। यहाँ का जो फील आया वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ का फील अच्छा था ना? फील अच्छा। यहाँ पे स्वाति और दीदी आपको जरूर लाना है, जब हरिद्वार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप जरूर आ जाएंगे। नंबर 6 बिग बैन रेस्टोरेंट। ये जो हमारी अगली जगह है वो है ये बिग बैन रेस्टोरेंट। ये हरिद्वार का एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। अगर आपको बैठ के आराम से फाइन डाइनिंग में लंच या डिनर करना है तो आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल रोटी या फिर सब्जी खाने का मन नहीं है तो आप यहाँ के शेक्स और आइसक्रीम भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा प्रॉपर डिनर या लंच कर सकते हो। और बिग बैन रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अगर आप कैजुअल डाइनिंग करना चाहते हैं और अगर आपको दाल रोटी खाने का मन ना हो तो बिग बैन रेस्टोरेंट वो जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए। बिग बैन एक फैमिली रेस्टोरेंट है और यहाँ आपको इंडियन कजीन के साथ कॉन्टिनेंटल फ्लेवर्स भी मिलेंगे। बिग बैन रेस्टोरेंट के शेक्स एंड सैंडविचेस काफी फेमस हैं और यहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय आ सकते हैं। बिग बैन रेस्टोरेंट में आपका पर पर्सन खर्चा हो सकता है 300 से 400 रुपए और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। नंबर 7 डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का। गाइज ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है पंजाबी तड़का डोसा प्लाजा रेस्टोरेंट। ये जगह पे आपको पंजाबी फूड बहुत आसानी से मिलेगा लंच और डिनर के लिए। और यहाँ पे डोसा की तकरीबन 20 से ज्यादा वैरायटी आपको खाने को मिलेंगी। इस जगह पे आपका खर्चा आ सकता है 80 रुपए से 200 रुपए तक पर पर्सन का। और ये जगह खुली होती है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो अगर आप हरिद्वार आए हैं तो ये जगह भी घूम सकते हैं। डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का वो रेस्टोरेंट है जहां पर आपको दो जगह के मेन्यू से ऑर्डर करने का मौका मिलेगा। पहला है डोसा प्लाजा का मेन्यू, जो कि एक ग्लोबल चेन है और जहां आपको तकरीबन 140 वैरायटी के डोसास खाने को मिलेंगे। दूसरा है यहां का पंजाबी तड़का का मेन्यू, जो कि पंजाबी और इंडियन कजीन सर्व करता है और यहां आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय आ सकते हैं। ये गाइस पंजाबी तड़के का मेन्यू है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पनीर तड़का, हाँ भाई वेजिटेरियन फूड है सारा। पनीर के बहुत सारे आइटम है, मशरूम के आइटम है। इसी के साथ साथ दिन रात यानी कि सुबह शाम जो चलता है डेज का स्पेशल बिरयानी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड दे हैव सम तंदूरी स्टार्टर्स, मोमोस। और यही यहाँ का डोसा प्लाजा का मेन्यू है। चाइनीज भी मिलता है यहाँ पे, अच्छा मैक्सिकन स्टाइल डोसा भी मिलता है और चाइनीज स्टाइल डोसा भी मिलता है, फिर मैक्सिकन उत्तपम और हेल्दी उत्तपम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और आपको डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स में भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी पर पर्सन कॉस्ट होगी तकरीबन 200 से 300 रुपए और यहाँ आपको डोसा मिल सकता है 80 रुपए से। डोसा प्लाजा पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। नंबर 8 करी लीफ रेस्टोरेंट।
गाइस हमारी अगली जगह है करी लीफ रेस्टोरेंट, जो कि हरिद्वार के हर की पौड़ी से सिर्फ 20 मीटर दूर है। करी लीफ रेस्टोरेंट फेमस है अपनी साउथ इंडियन डिशेज के लिए, और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो मे बी नॉट फॉर द फूड मील बट फॉर स्नैक्स आप ये जगह जरूर ट्राई करें। यहाँ का मसाला डोसा, इडली और वड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ही उमदा क्वालिटी की होती हैं और यहाँ की प्राइसेस भी आपको बहुत रीजनेबल लगेंगे। करी लीफ की टाइमिंग है सुबह सनराइज से सनसेट तक, और यहाँ पे आप लंच या डिनर दोनों के लिए आ सकते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी पे स्थित है एक और रेस्टोरेंट जो कि अपने साउथ इंडियन खाने और अपनी फाइन डाइनिंग के लिए मशहूर है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है करी लीफ रेस्टोरेंट। हरिद्वार के पुलिस चौक से सिर्फ 1 मिनट की वॉकिंग पे पड़ेगा करी लीफ रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात है यहाँ का टेस्ट, और यहाँ के मेन्यू में आपको अलग अलग तरीके के कॉम्बो और वेराइटी देखने को मिलेगी। करी लीफ रेस्टोरेंट में आप लंच और डिनर के लिए आ सकते हैं, और यहाँ पे आपकी पर पर्सन कॉस्ट पड़ सकती है 150 से 200 रुपए तक की। हमने मंगाया है ये मिनी डोसा राइस इडली वड़ा कॉम्बो, जो कि 240 रुपए का है। हरिद्वार की इन सारी जगहों की लोकेशन हमने एक गूगल मैप की लिस्ट बना के उसमें डाल दी है, और उस लिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आप गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करें और इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आप उस लिस्ट में देख सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू ईट इन हरिद्वार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और इस वीडियो के कमेंट्स के लिए हमारा सवाल है, अगर इन जगहों के अलावा लगता है कि हरिद्वार में कोई ऐसी खाने पीने की जगह है जो हमारी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, तो वो आप हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और हम हर महीने के पहले सैटरडे करते हैं हमारा लाइव सेशन, और उसमें हम बताते हैं पूरे मंथ का सबसे बेस्ट कमेंटर कौन है। तो हमारा वो लाइव सेशन भी जरूर अटेंड करें जो हम करते हैं हर महीने के पहले सैटरडे। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, हर हर गंगे। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।